वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको चौक का बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन जो है वो बताने लगी हूँ, जो कि इंस्टाग्राम पे स्नैप वीडियो पे बहुत ही वायरल चल रहा है। इवन के ब्रांड्स के हर ड्रेस पर ये डिज़ाइन जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है ताकि आपको समझ में हर पॉइंट आ सके कि हमने इस डिज़ाइन को रेडी कैसे करना है। तो ये पट्टियाँ हैं तो जो मैंने रेडी की हुई हैं, इनके ऊपर मैंने ग्रीन कलर की इस तरह से सिलाइयाँ लगाई हैं और नीचे जो फैब्रिक है वो हमारे ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक है जिसको हम इस शर्ट पर यूज़ करेंगे। ये हमारी शर्ट है। बैक पर ये देखिए, मैंने इसको रेडी कर लिया हुआ है फैशन पट्टी लगा के। जस्ट हमने इस डिज़ाइन को फ्रंट पे बनाना है। इस पट्टी की आपने जो लेंथ लेनी है वो आपने अपने चौक के अकॉर्डिंग लेनी है कि जितना आपका चौक होगा। ये देखिए, मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि यहाँ से आपने हाफ इंच छोड़ना है फोल्डिंग के लिए और ऊपर से आपने हाफ इंच जो है चौक से इसको बढ़ा के रखना है। ठीक है जी, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ये नहीं कि जितनी मैंने मेजरमेंट बतानी है आपने उतना ही उसको काट लेना है, आपने अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग काटना है। पट्टी की जो मैंने लेंथ ली है वो है जी 18.5 इंचेस और इसकी जो विड्थ है वो है जी 1.25 इंच के बराबर। एक साइड से ये सीधी है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये राउंड शेप में है। अब इसकी फोल्डिंग कैसे करनी है वो समझ लें जल्दी से। इस जगह से है, हम आयरन की मदद से इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये देखें जी, ये वाली साइड आपने आयरन करके सीधी कर लेनी है और ये वाली जो साइड है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने बनानी है। यहाँ पे आपने लगाने हैं जी राउंड में छोटे छोटे कर्ट्स इस तरह से। ये देखें जी, ये ग्लू मार्केट में अवेलेबल होती है, आसानी से बुक शॉप से भी मिल जाती है। इसको आपने इस तरह से जो है अपनी ये बुकरम के ऊपर लगाना है और आसानी से इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। जिन बहनों के पास ये अवेलेबल नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी कि हमारे पास तो ये है ही नहीं। आपने क्या करना है जी, सुई धागा लेके तो बड़े बड़े टांके उठा के उसको रफ स्टिच कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हमने फोल्ड कैसे कर लेना है जल्दी से। ये देखें, इस तरह से इसको आप चिपका लें बिल्कुल ऐसे दबा के। साइड इसकी जो है वो अच्छी तरह से हमारी बुकरम के ऊपर जो है वो चिपक जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे। और इसकी नोक कैसे बनानी है, अब आपने ये चीज ना गौर से देखनी है कि यहां से इसकी जो ये वाली नोक है वो हमने किस तरह से बनानी है। ठीक है, इसको हमने ये देखें दोबारा से यहाँ पे हम लगाएंगे और इस चीज को पहले बराबर कर लेंगे ऐसे। अब ये जो चीज है इसको आपने इस तरह से टर्न करना है इस तरफ को। ठीक है, ये वाला जो कोना है इसको इस तरफ को मोड़ेंगे और थोड़ा सा इसको जो है इस तरह से मोड़ के हम कट कर देंगे और अब इसको दोबारा से पकड़ के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हमारा ये जो नोक है ना ये बड़ी अच्छी जो है वो बन जाएगी। इस चीज को आपने ना गौर से देखना है। कुछ लड़कियों को यहाँ से समझ नहीं आती कि इसको अब हम यहाँ से नीट तरीके से फोल्ड कैसे करें। ये देखें जी, हमारी पट्टी कितनी खूबसूरत तरीके से फोल्ड हो चुकी है। पट्टी लगाने से पहले ये देखें जी, शर्ट के दामन को हमने किस तरह से फोल्ड करना है। आपने इसको उल्टा कर लेना है दामन को और यहाँ से आपने ये चीज़ गौर से समझ लेनी है कि मैं यहाँ से देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से कट करूँगी। ये देखें जी, इस तरह रखना है आपने इसको और इस तरह से तिरछे रूप पे इसको कट देना है जहाँ से हमारे चौक की सिलाई एंड हो रही है वहाँ तक। ठीक है, और इसको इस तरफ को हमने टर्न कर लेना है, इस कपड़े को इस तरह सीधी रूप पे इस तरह से। इसकी क्रीज बैठाने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा सा जो है हम कपड़े को तराश लेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारी पट्टी जो है वो आ जानी है तो ये सारा कपड़ा रखने की जरूरत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से जो है वो तराश लेते हैं। इसको इस तरह मोड़ के पट्टी लगाने का मकसद ये है कि बैक साइड भी जो है वो हमारी नीट बने। ठीक है, अब चलते हैं जी मशीन की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि हम अपनी पट्टी जो है वो किस तरह से अटैच करेंगे। ये चाक की ये वाली जो साइड है जहाँ पे हमारी सिलाई एंड हो रही है इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। ये जो कपड़ा हमने ऊपर की तरफ मोड़ा था इसको आपने इस तरफ को थोड़ा सा ऐसे घुमा लेना है जब हमने पट्टी लगानी स्टार्ट करनी है। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब पट्टी को हमने यहाँ पर रखना है इस तरह से। ये देखें आप, इस तरह से हम अपनी पट्टी को रखेंगे यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के। पहले हम इस तरफ से सिलाई लगा लेंगे जो सीधी साइड है। यहाँ तक ला के आपने सिलाई को इस तरह से बाहर निकाल देना है। अभी हमने इसको इस तरफ को फोल्ड नहीं करना। ठीक है जी, ये देखें जी मशीन की नीडल जो है हमने अंदर की तरफ कर देनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने लेस को किस तरह से अटैच करना है। लेस हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं, ये आप देखें इस तरह की।
लेस को इसी तरह से रख के नहीं लगाना, इस तरह से क्या होगा जी, हमें ये चीज़ जो है ऐसे मोड़ के इसके अंदर देनी पड़ेगी जो यहाँ से बहुत ही बुरी लगती है। आपने लेस को थोड़ा सा यहाँ से कट करना है ऐसे, ये देखें ये वाला फ्लावर मैंने छोड़ा है, बाकी इसको कट कर दिया। अब इसकी ये वाली जो साइड है लेस की, इसको हम इस तरह से इस कपड़े के अंदर देंगे, ऐसे रखना है आपने लेस को बिल्कुल सीधा। और यहाँ तक जो है हमने सिलाई लगानी है पहले, ये कोने तक। ये याद रखेंगे पट्टी जो लेस की वो छोटी सी किनारी है ना, वो आए पट्टी के अंदर, लेस ना यहाँ तक आए। ये देखें ऐसे हमने रख दिया इसको। अब इसी तरह जैसे हमने अपनी पट्टी घुमानी है, ऐसे ही लेस को आसानी के साथ हम इसके साथ घुमा लेंगे। हमें लेस को यहाँ पर फोल्ड करके रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ईद ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिहाज से अगर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं तो 6 एपिसोड मेरे चैनल पे जो हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस धागे को आपने थोड़ा सा लंबा इस तरह से कटिंग करना है, और यहाँ से जो है इसको इस तरह से दोनों धागों को आपस में दो दफ़ा आपने गिरा देनी है, ठीक है। ऐसे दो दफ़ा इसको गिरा दे के इसको लॉक करके फिर आपने कटिंग करना है। अक्सर क्या होता है जब हम यहाँ से धागे को ऐसे ही काट देते हैं ना, तो धागा दोबारा से उधड़ना शुरू हो जाता है। शर्ट का जो दामन है ना वो बहुत बुरा लगता है जब धागे उखड़ने शुरू होते हैं। अब इसको हम यहाँ से काट देंगे, ये हमारा जो धागा है वो लॉक हो चुका है, अब यहाँ से उधड़ेगा नहीं, ठीक है ना। ये देखें जी चाक की फाइनल लुक कितना खूबसूरत जो है चाक इस तरह से रेडी हुआ है। मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि ये किस तरह से बनना है, ठीक है जी। आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ये पट्टी, सिर्फ चौक्स पे लग रही है और फ्रंट पे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बगैर आपने नहीं जाना है, एंड बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।